एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अवर प्लेटफॉर्म लेट्स ड्रिंक टुगेदर। सो आज की इस सेशन में मैं आप सभी के सामने लेके आई हूँ कि आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। जैसा कि हमें पता है DSSB एग्ज़ाम में पेपर वन में 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है, तो ये आपके सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है कि आप जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। और ये वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है जो खुद को वीक बताते हैं इंग्लिश में, कि हम काफ़ी वीक हैं इंग्लिश में, हमारी इतनी ज़्यादा कमांड नहीं है इंग्लिश में। तो आप इस वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कैसे किस सीक्वेंस में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ताकि आप अपने इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच पाएं। सबसे पहले बच्चों की तरह हमें पता है सिखाई जाती हैं ABCD, ठीक है, A to Z, तो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल। उनमें आपके पास सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और वोवल्स क्या होते हैं। आप सभी को आई वो पता होगा 5 वोवल्स होते हैं आउट ऑफ 26 अल्फ़ाबेट, और जो कि हैं A, E, I, O, U। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम सीक्वेंस में चलते हैं। वर्ड्स किससे बनते हैं? जब हम लेटर्स को एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर सीक्वेंस में जोड़ देते हैं तो हमें वर्ड्स मिलते हैं, और जब हम बहुत सारे वर्ड्स को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बनते हैं? सेंटेंसेस बनते हैं, वाक्य बन जाते हैं। तो इसी सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए, जैसे आपको नॉलेज हुई कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वोवल्स क्या होते हैं, उसके बाद आप देखिए वर्ड्स में प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स जो वर्ड्स होते हैं वो कहाँ पे ऐड होते हैं, सफिक्स वर्ड कहाँ पे ऐड होते हैं। उसके बाद हमें पता है वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंसेस बनते हैं, और इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या है। फॉर एग्जांपल डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि जिसमें इंटरोगेशन की जाती है, पूछताछ की जाती है, एक्सक्लामेटरी मतलब जिसमें सरप्राइज दिखाना, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़, ठीक है। और उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो इनके बारे में हमें हल्की फुल्की नॉलेज रहनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका होना चाहिए सेंटेंसेस में, आपको पता है हम बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें यूज़ करते हैं जिनको हम बोलते हैं पंचुएशन, पंचुएशन मार्क होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, ऐसे सिंगल वन लिखना और उसके नीचे डॉट लगाना, कहाँ पे डॉट लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, ठीक है। तो ये हमें पंचुएशन की नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा सेंटेंस में, कौन जो वर्ड्स होते हैं, किसी का नाम होना, जगह का नाम होना, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं या स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो ये सब हमें नॉलेज, बेसिक नॉलेज ले लेनी चाहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पे हम स्विच करते हैं, जहाँ पे आपको देखना है 8 टाइप्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस वर्ड को हम क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हमारा आता है नाउन। नाउन किसे कहते हैं, हिंदी में होता है ये संज्ञा, ठीक है। तो नाउन की आपको नॉलेज लेनी है कि नाउन क्या है, नाउन के क्या क्या प्रकार हैं। तो जितने भी हमारे आसपास नेमिंग वर्ड्स होते हैं किसी भी जगह का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का नाम, उसको हम बोल देते हैं नाउन। उसके बाद आपको नॉलेज लेनी है प्रोनाउन की, प्रोनाउन क्या होते हैं हिंदी में बोले तो आई थिंक सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम क्या होंगे, जो नाउन की जगह पे जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। तो आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज सबसे पहले, अपनी कंपिटिटिव इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले आपको इसी सिक्वेंस में ये सब कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए कि वर्ब्स क्या होती हैं, क्रियाएँ किसे कहते हैं, और साथ में वर्ब के साथ आपको टॉपिक करना है मॉडल्स का, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। वर्ड्स आपको पता है कैसे वर्ड्स होते हैं, जिन वर्ड से हमें क्रिया के होने का पता चलता है, स्टडिंग, वॉचिंग टीवी, तो जो वर्ड्स हमें बताते हैं कि क्रिया हुई है या नहीं हुई है उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब होते हैं। और वर्ब की फर्दर टाइप्स होती हैं, कुछ होती हैं हेल्पिंग वर्ब, कुछ होती हैं मेन वर्ब, तो आपको इनकी बेसिक नॉलेज ले लेनी चाहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक उठाना है वर्ब और मॉडल्स के बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण। विशेषण मतलब कि भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, तेज भाग रहा है, तो तेज उसकी क्या हुई, भागने की विशेषण हुई, विशेषता हुई। तो ऐसे जो है एडजेक्टिव के बारे में हमें पता होनी चाहिए। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी संज्ञा की, ठीक है, नाउन की बारे में बताए, विशेषता बताए उसकी, कि उस नाउन की क्या विशेषता है। फॉर एग्जाम्पल राधा इज़ अ गुड गर्ल, राधा कैसी लड़की है, गुड गर्ल है, अच्छी लड़की है। तो आपको पता होना चाहिए इस सेंटेंस में जो आपका गुड वर्ड आया है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है,
तो वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। राधा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, ठीक है। और नाउन में भी अगर हम पूछे कौन सा नाउन है, तो राधा कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो ये आपको बेसिक नॉलेज सबसे पहले लेनी होगी। उसके बाद आपका फिफ्थ टॉपिक आता है एडवर्ब का, मतलब कि एड प्लस वर्ब, मतलब कि जो वर्ब के साथ कुछ एडिशन दे, कुछ बताए वर्ब के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा बताए, उसको हम बोलेंगे एडवर्ब। नेक्स्ट आ जाती है आपकी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको करनी है एडवर्ब के बाद ही। प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि कोई ऐसे वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स जो आपको नाउन की, प्रोनाउन की पोजिशन के बारे में बताए कि कोई चीज़ कहाँ पे है, कैसे रखी हुई है, कहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल इन, अंदर, ऑन, ऊपर, ठीक है, अबव, बिलो, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इनका यूज़ कैसे कैसे किन किन सिचुएशन में होता है। फॉर एग्जांपल अंडर द ट्री होता है, बिलो द ट्री होता है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसके नॉलेज है तो, और नहीं है तो जल्दी से सर्च कीजिए और नॉलेज को ग्रहण कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पार्ट ऑफ स्पीच आता है कंजक्शन। कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल बट, एंड, और, परंतु, ठीक है, ये क्या है आपके कंजक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनल एट्थ आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ठीक है, इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो हमें एक्साइटमेंट में हमारे मुँह से निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुर्रे, यिप्पी, ठीक है, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट इट इज़, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोल देते हैं, इंटरजेक्शन बोल देते हैं। और इनके बाद हमेशा कैसा पंचुएशन मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो इसी सीक्वेंस में आपको टॉपिक को करना है। यहाँ तक करने के बाद आपके पास अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। 3 स्टेप हैं अगर इंग्लिश में, तो आप ये सोच लो आपने 1 पैड़ी जो है चढ़ ली है। उसके बाद आपको अपनी अभी 2nd पैड़ी पे आना है, और उसमें 1st टॉपिक आपको करना है आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स का। अभी आर्टिकल्स आपको पता है, हमने स्टार्टिंग में नॉलेज ली थी वोवल्स क्या होते हैं, राइट, ए एंड द। ये अब जो आर्टिकल्स आएंगे ना, 3 आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द। अब यहाँ पे आपको उस नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि कॉन्सोनेंट और वोवल्स आएंगे तो हम ये आर्टिकल लगाएंगे, कॉन्सोनेंट आएगा तो ये वाला आर्टिकल लगाएंगे, तो ये आपको इसी सिक्वेंस में करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको करने हैं टेंसेज, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, 3 तरह के टेंसेज होते हैं। इसमें फर्दर इनके कुछ टाइप्स होते हैं, तो इनके बारे में आपको नॉलेज लेनी है। जैसे ही आप टेंसेस कर लेते हैं, उसके बाद आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला आपको वॉइस करना है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। किसी सेंटेंस को एक्टिव में लिखना, ठीक है, कि ये काम इसने किया है, फिर ये बताना ये काम इसके द्वारा किया गया है, तो ये क्या हो गया, पैसिव फॉर्म होगी सेंटेंस की। तो ऐसे आपको वॉइस सीखनी है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच सीखना है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच सीखने के बाद कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स आएंगे अब, जो कि इसी पूरी ग्रामर के बेस्ड पे होते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्वेश्चन टैग की नॉलेज आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका एक टॉपिक बन जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कि किस सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी, ये एक अलग से कॉम्पिटिटिव लेवल पे टॉपिक बन जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, आपने स्टार्टिंग में ही सेंटेंसेस की नॉलेज ले ली है, सेंटेंसेस में आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, और प्रिडिक्ट क्या होता है, तो ये सब आपने नॉलेज ले ली है। तो इसी के बेसिस पे अब ये फर्दर टॉपिक आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कहाँ पे कैसी वर्ब लगेगी। कंडीशनल मतलब कि अगर ये किया होता तो ये हो जाता, अगर मैंने ये पढ़ा होता तो मैं पास हो जाती, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में कौन सी वर्ब्स लगेंगी, तो ये एक अलग से टॉपिक निकल के आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ग्रामर सेक्शन में आपको क्या करना है, किस किस सीक्वेंस में करना है। और मेरी मानिएगा, एक बार इसको इसे सीक्वेंस में करके देखना, नोट्स बना लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ टॉपिक्स लगते हैं कि ये आपकी बुक में नहीं है, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो छोटे लेवल पे होते हैं बट उनको नॉलेज होनी चाहिए आपको कंपटीशन इंग्लिश पढ़ने से पहले, उसके बाद आपको पकड़ बनानी है अपनी वोकैबुलरी सेक्शन पे, ठीक है। अब 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है, राइट, जो आपने इतनी सारी ग्रामर पढ़ी है ना, वो 8 मार्क की आएगी, उसमें से 8 नंबर की ही आती है। और उसके बाद आपकी 7 नंबर का आता है वोकेबलरी का सेक्शन, शब्दावली का सेक्शन। सबसे पहले सिनोनिम, मतलब कि जो वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम सेम होते हैं, एंटोनिम्स, मतलब हिंदी में हम जिनको विलोम शब्द बोल देते हैं, कि गुड़ का एंटो क्या होगा, बैड हो जाएगा,
क्लीन का डर्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एंटोनिम्स होते हैं। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि बहुत सारे शब्द के समूह के स्थान पर एक शब्द का उपयोग करना, उसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी चीज़ जो हर एक जगह प्रेजेंट है, तो इसको हम सिंगल वर्ड में बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट। ऐसी चीज़ जो बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ताकतवर है, तो उसको हम बोल देते हैं ओमनी पोटेंट। तो ऐसे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। और उसके बाद है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब कि हिंदी में हम जिन्हें मुहावरे बोलते हैं, तो ये वही है। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें वोकैब में आ जाता है आपका स्पेलिंग पार्ट का। कई बार क्वेश्चंस में क्या पूछ लेते हैं कि चार स्पेलिंग दी होंगी और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, तो ये भी आपको वर्ड्स को याद करते वक्त धीरे धीरे स्पेलिंग्स को भी याद करना पड़ेगा जो स्पेलिंग्स कन्फ्यूजिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल असैसिनेशन, ठीक है। उसके बाद कुछ मैरिज, इसकी स्पेलिंग आ जाती है कई बार। और कुछ स्पेलिंग्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेपरेट की स्पेलिंग क्या होगी। तो ये स्पेलिंग्स कुछ गिनी चुनी ही लिमिटेड होती हैं, नॉनमीन्स लेके बैठ गए हो लिस्ट कहीं से और रटने शुरू कर दिए, नहीं। वोकैबुलरी का एकमात्र फॉर्मूला ये है, सबसे पहले एक बुक उठाओ और वो बुक है नीतू सिंह की। उसमें एक वोकैब का सेक्शन है जहाँ पे 700 वर्ड है। उन 700 वर्ड को सबसे पहले आपको भाई क्रैम करना होगा, रटना होगा। इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, कोई और कोई चारा नहीं है याद करने का। न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के लिए अगर आप न्यू हैं तो बिल्कुल भी मत उठाना स्टार्टिंग में। सबसे पहले आपको एक ट्रेडिशनल वोकैब होती है वो याद करनी होती है, मगअप करनी होती है, ठीक है। पी जाओ घोट के, उसको बार बार रीड करो, राइट करो, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स लिख दो, कुछ देर बाद उनके हिंदी के वर्ड रिकॉल करके याद करके देखो कि हाँ ये मैंने सुबह याद किया था, ये हुआ याद नहीं हुआ, जो नहीं हो रहे हैं उनको सर्कल करो, दोबारा उसका मीनिंग देखो, उसको फिर लिख दो, कुछ दिन के लिए अपनी पढ़ने वाली टेबल के पास में कहीं पे चिपका दो, ठीक है, ताकि आप उसको बार बार देखो और बार बार वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए वो डाटा, और आपके एग्जाम टाइम में आप उसको करेक्ट कर दो। तो सबसे पहले क्या करना है, नीतू सिंह की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 16 से लेके आई थिंक 24 या 25 चैप्टर्स हैं, वहाँ पे वोकैब सेक्शन दिया हुआ है। और 17 नंबर पे आई थिंक एक चैप्टर मिलेगा जहाँ पे 700 के आसपास वर्ड मिलेंगे, तो वो वर्ड आपको सबसे पहले याद करने हैं और लिमिटेड वर्ड्स ही होते हैं। उसके बाद आपको वन वर्ड वाला सेक्शन करना है और ईडियम्स वाला करना है। और मेन फोकस कहाँ पे रखेंगे, मेन फोकस आपको रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ये 7 नंबर का आता है, तो 7 नंबर में क्या क्या दे देंगे, वो दो आपके वन वर्ड दे देते हैं, ठीक है, और दो आपके वो idioms एंड phrases दे देते हैं, एक साइनो दे देंगे, एक एंटो देंगे। कहीं ना कहीं जो वन वर्ड है और idioms एंड phrases हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। अगर आप उनको चाहें ना तो लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आप याद करेंगे तो आपको आउटपुट भी मिलेंगी। तो मेन फोकस अपना रखना वन वर्ड और idioms एंड phrases पे, ताकि आप 7 में से 4 नंबर अपने ग्रैप कर ले। उसके बाद आपको एक नंबर जो स्पेलिंग की होती है उस पर फोकस करना है। और ये सब करने के बाद आप आ सकते हैं नॉर्मल वर्ड्स पे, डे टू डे अपना याद करते जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से लगा रहे हो उसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको याद करते जाओ। और जो नीतू सिंह की बुक है वो तो करनी ही करनी पड़ेगी, उसमें जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 16 से 24 तक वो आपको करने ही करने पड़ेंगे, और कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। इतना सब करने के बाद आपको किस सेक्शन पे आना है, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। क्यों आना है, क्योंकि ये भी 5 नंबर का आता है, एक पैराग्राफ आता है और उसके बाद 5 उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये कैसे करना है, तो सबसे पहले न्यूज़पेपर बिल्कुल मत उठाइएगा स्टार्टिंग में। 9th और 10th की जो रीडिंग की बुक्स आती है ना इंग्लिश की, उसमें एक चैप्टर उठा लेना डेली का, स्टोरी पढ़नी है मेरे को, ताकि आप कमांड कर पाओ कि पढ़ते वक्त आपको पढ़ने के साथ साथ उसमें क्या लिखा हुआ है वो समझ बन रही है नहीं बन रही है। आप डेली एक चैप्टर सुबह उठते ही रीड करोगे तो आपको एक ओवरव्यू अपना खुद का पता चल जाएगा कि मेरी वोकैबुलरी कितनी है, मेरे को ये समझ आया या नहीं आया। और जैसे जैसे आप एक महीना ऐसे रीडिंग करोगे हर एक चैप्टर की, फिर उसके बाद आपको न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल का पेज होता है वो भी नहीं उठाना है, जो फर्स्ट पेज जहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ आती हैं, तो उसमें से कोई भी एक पैराग्राफ उठा लेना, उसको पढ़ के देखना, ठीक है। अगर उसको पढ़ने के बाद आपकी समझ बन रही है तो फिर आप धीरे धीरे एडिटोरियल वाले पेज पे जाना, फिर उसको एडिटोरियल वाले पेज पे रीडिंग करना शुरू करना, जो वर्ड्स आ रहे हैं फिर आप देखोगे जो आपने 700 वर्ड नीतू सिंह बुक की जो बुक थी मैम की, वहाँ से जो आपने 700-800 वर्ड्स याद किए थे ना, आपके धीरे धीरे वही सेम वर्ड्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे न्यूज़पेपर में, और वो रिपीटेशन क्या करेंगे, आपका रिविज़न कराएंगे इनडायरेक्ट वे में। तो ऐसे करके जो है आप अपना इंग्लिश पे कंट्रोल
कर सकते हैं। 8 नंबर की ग्रामर आती है, 7 नंबर की वोकैब आती है और 5 नंबर का रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन आता है। ये सब करने के बाद आपको सिर्फ करनी है ऑनलाइन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और यहाँ पे हमें परफेक्शन नहीं चाहिए है, वी नीड सिलेक्शन। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, कैसे करोगे? क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस तरह से, ग्रामर के बेस पे फिलअप्स आ जाएंगे, 3 फिलअप्स आ जाएंगे, ठीक है। एरर आ जाती है, इम्प्रूवमेंट आ जाती है, और हाँ ये जो एरर और इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन हैं, ये टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, फिलअप्स 3 आ जाती हैं, और एक क्वेश्चन आपका आ जाता है जम्बल्ड सेंटेंसेस, ठीक है। आपको वर्ड्स ऐसे कट कट करके दे देंगे और बोलेंगे इनको एक सिक्वेंस में लगाओ, प्रॉपर सिक्वेंस में लगाओ। तो ये कुछ 8 क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, और जंबल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। और ये आपका जंबल सेंटेंसेस वाला ना, आप धीरे धीरे सीख जाओगे कि कोई एक स्टोरी होती है, स्टोरी स्टार्टिंग में जिसके ऊपर स्टोरी है उसके नाम से शुरू होगी, ठीक है। राधा के ऊपर स्टोरी है तो राधा एग्जाई है, ठीक है। उसके बाद शी लगना शुरू हो जाता है, तो ऐसे करके आप जंबल सेंटेंसेस में जब कनेक्शन बनाना शुरू करोगे तो आपकी वो चीज़ भी क्लियर होती जाएगी धीरे धीरे। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार जो नीतू सिंह की बुक है वहाँ पे वोकैबुलरी सेक्शन काफ़ी अच्छा है, ग्रामर का सेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है जो एरर वाला सेक्शन है, इम्प्रूवमेंट वाला सेक्शन है, वो हमें एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक, ठीक है। वहाँ से आप टॉपिक वाइज नाउन के ऊपर एरर, प्रोनाउन के ऊपर एरर, एडजेक्टिव के ऊपर एरर, तो आप वो वहाँ से कर सकते हो। काफ़ी अच्छी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है और हिंदी में दी हुई है, ठीक है। सबसे अच्छी खासियत ये है उस बुक की, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। इन द एंड आप सभी के लिए एक ही सजेशन है, तीनों पार्ट पे फोकस करना, क्योंकि पता है ग्रामर भी 8 नंबर की आएगी, वोकैब 7 नंबर का आएगा और 5 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। वोकैब में मैंने बताया 2 चीज़ों पर ज़रूर फोकस करना, वन वर्ड पे और इडियम एंड फ्रेजेस पे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और अपने वीडियो एंड तक देखी होगी, एंड अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।